नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। भारत की विश्व विजेता टीम इंडिया, उसकी फ्लाइट किसी भी पल लैंड कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप जीतकर बारबाडोस की धरती पर तिरंगा गाड़ने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की वतन वापसी हो रही है। बारबाडोस में तूफान थमने के बाद टीम इंडिया दिल्ली आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोहित ब्रिगेड के ग्रैंड वेलकम की जबरदस्त तैयारी है। हम आपको यहां से एक एक तस्वीर दिखाएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारत लौटने के बाद टीम इंडिया का आज का शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में टीम इंडिया वतन वापसी करेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। कुछ ही देर में लैंड करने वाली है फ्लाइट उनकी। बारबाडोस से वापस आ रहे हैं विश्व विजेता। T20 वर्ल्ड कप लेकर टीम इंडिया आ रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी जो फ्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। जबरदस्त तैयारियां की गई हैं स्वागत के लिए। लोग खड़े हैं स्वागत के लिए। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के साथ टीम इंडिया वापस आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या नजारा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ग्रैंड वेलकम की तैयारी है रोहित ब्रिगेड की। वतन वापसी हो रही है टीम इंडिया की। आपको बता दें कि जीतने के बाद बारबाडोस में एक तूफान आ गया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया थोड़ी देरी से आ रही है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से ही, फैंस जो हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, वो लगातार बेताबी से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर अब चलिए आपका तारुफ कराता हूं ग्राउंड जीरो पर जो मेरी टीम मौजूद है उससे। GS विवेक दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव हैं। रिया धौलाकुआ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। अजातिका जो हैं वो ITC मौर्य दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं GS विवेक के पास। विवेक, कितने देर में फ्लाइट जो है वो लैंड करने वाली है और क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए। देखिए, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग विवेक। और बारबाडोस से जो है फ्लाइट वो बस अब कुछ ही देर में आने वाली है और लैंड कर सकती है, किसी भी वक्त लैंड करेगी। और लैंड करने के बाद ये खास इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर कि वो एकदम से इमिग्रेशन क्लियर करें और फिर VIP सेक्टर जोन। इस पर हम है T3 गेट नंबर 18, पिलर नंबर 18। और सुबह 3 बजे से लगातार यहाँ पर फैंस जो है वो जमे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद भी एक अच्छा खासा भीड़ यहाँ पर जमा हो चुका है और पोस्टर्स लगाए हुए हैं और फैंस जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अपने टीम को जो है वो वेलकम कर सके। कोशिश यहाँ पर यही है इनको कि कम से कम एक झलक यहाँ पर विराट की या रोहित की बस के द्वारा दिख जाए। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और पूरा का रूट, पूरे रूट पर उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। और सुबह के 3 बजे से फैंस यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अच्छी खासी यहाँ पर तैयारी की गई है कि जैसे ही प्लेयर्स निकले वहाँ से सीधा इमिग्रेशन करें और इमिग्रेशन से सीधा वो जो है बस पर बैठे और बस इसी रूट के थ्रू यहाँ से निकल जाएगी ITC मौर्या के लिए। और उसके बाद उनके पास विश्राम करने का 2 घंटे हैं जिसपे वो तैयारी करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ब्रेकफास्ट मुलाकात होगी यहाँ पर विवेक। तो ये तैयारियां हैं और लोग जमा हुए हैं। GS विवेक हमें एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे लिए चलता हूँ रिया के पास। धौलाकुआ में क्या अपडेट्स है, लोगों का कितना उत्साह है, रिया बताएंगी। जी विवेक, धौलाकुआ में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यही वो रास्ता है जहां पर एयरपोर्ट से जो टीम है वो ITC मौर्य की तरफ जाएगी। और देखिए पुलिस की तरफ से इंतज़ाम ज़रूर आपको नज़र आएंगे। अभी ट्रैफिक ज़रूर चल रहा है लेकिन जैसे ही अपडेट होगी कि जो टीम है वो एयरपोर्ट से निकल गई है तभी यहाँ पर जो रूट्स की जो व्यवस्था है वो कर दी जाएगी। तो देखिए सुरक्षा की तैयारियाँ पूरी कर दी गई है। हालांकि धौलाकुआ एक ऐसा एरिया है यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है लेकिन ज़रूर ITC मौर्य पर लोग इंतज़ार करेंगे। उत्सुकता लोगों में ज़रूर है और ये वो रास्ता जहाँ से जो टीम है वो एयरपोर्ट से ITC मौर्य की तरफ जाएगी। विवेक, ठीक है रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मेरी सहयोगी शीरीन आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ गई हैं। सीधा शीरीन के पास लिए चलते हैं। शीरीन, ओवर टू यू।
थैंक यू विवेक, गुड मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा इस वक्त दिलचस्प हो गया है क्योंकि भारतीय टीम की वतन वापसी पर यहाँ उत्साह देखा जा रहा है। जब से हम यहाँ पहुंचे हैं भारत माता की जय के नारे और एक एक क्रिकेटर का नाम लिया जा रहा है क्योंकि उत्साह जोरों पर है। ये इंतजार थोड़ा लंबा इसलिए भी हो गया क्योंकि बारबाडोस से टीम को वापस आने में वक्त लग गया, तूफान के चलते वो वापस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आखिरकार आज वो आ रहे हैं। मैं इस वक्त अराइवल पर वीवीआईपी गेट के सामने मौजूद हूँ। अगर आदित्य यहाँ की तस्वीरें दिखाए तो पूरा इंतजाम लगभग यहाँ पर हो चुका है, यहाँ सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद पुख्ता कर दी गई है किसी भी वक्त, क्योंकि अब हलचल शीरीन हमें रिपोर्ट कर रही थी और वो बता रही थी कि एयरपोर्ट पर कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं।